पता नहीं झूठ बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो लेकिन अब कैमरे के सामने तो मतलब बोल दे रहे हैं और सच में क्या लग रहा है पता नहीं। सच बताओ कैसा है। आसपास यहाँ पर गांव नहीं मिलेगा दोस्तों, और बहुत दिन बाद मतलब बाइक चला रहा हूँ दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पैसा देकर जा रहा है दोस्तों हमारी सिस्टर, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, हमारी भगत दुर्गा ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। और दोस्तों अभी बज रहा है सुबह का 10 और रेडी वेडी हो गए हैं दोस्तों, और कहाँ जा रहे हैं आप लोग को आगे बताएँगे। और इधर हमारे छोटा भी देख सकते हैं। और हम लोग कहाँ हैं? मायके में। कौन सा मायके? बड़ी वाली के। दोस्तों हमारे मामा घर में है, मतलब हमारे ससुर घर में है कि नहीं। हाँ। और हमारे बड़ा भी गए है लक्खड़ लाने के लिए, है कि नहीं। हाँ। जंगल गए है दोस्तों, इधर देख सकते हैं जंगल पीछे तरफ, मतलब उधर गए है लकड़ी लाने के लिए। और अभी मैं जा रहा हूँ नुआपाड़ा बाल कटिंग करने के लिए। और अभी तो मतलब हमारे सिस्टर आ रहा है स्टेशन पैसा देने के लिए, है कि नहीं। हाँ। और हमारे पास पैसा वैसा नहीं है दोस्तों, तो हमारे मम्मी के पास फ़ोन किया था, तो मतलब रेलवे स्टेशन पैसा देने के लिए आ रहा है, वहीं पर पहले जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे नुआपाड़ा स्टेशन, नुआपाड़ा, और वहाँ से बाल वाल कटिंग करेंगे और आएँगे, है कि नहीं। हाँ। अभी हमारे बीबी को मतलब देख रहे हैं दोस्तों, उसके पास मात्र 100 रुपया है, 100 रुपया, तो वहाँ से उसको मांगेंगे और पेट्रोल मतलब डालेंगे और जाएंगे नुआपाड़ा। तो अभी देखते हैं कितना समय आता है हमारे बड़ा बीबी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ा वाला बोर है, देख सकते हैं अभी कच्चा है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी मतलब फल लगा हुआ है, देख सकते हैं वहाँ पर, यहाँ पर भी लगा हुआ है बड़ा वाला बोर है कि नहीं। बड़ा वाला बोर है लेकिन अभी कच्चा है कि नहीं। हाँ। और आप लोग कमेंट करके बताना तुम्हारी तरफ मतलब इसे मतलब झड़ गया है कि मतलब अभी से फल लगा हुआ है कि नहीं। हाँ। और यहाँ पर तो लगा हुआ है अभी से, मतलब ये बड़ा वाला है इसलिए मतलब यहाँ पर है कि नहीं। हाँ। नहीं तो दूसरे तरफ का मतलब झड़ गया है कि नहीं। हाँ। और मतलब ये हमारे मामा का बारी है, देख सकते हैं, बारी बोलते हैं क्या बोलते हैं तो। और उधर है घर हमारे मामा का, और इधर है वाला बाथरूम लिफ्टिंग है, सेफ्टी है। और इधर बांस देख रहे हैं, और इधर पूरा जंगल है दोस्तों, देख सकते हैं, मतलब जंगली गांव है कि नहीं। हाँ। मतलब छोटा गांव है, मतलब जंगली ज़्यादा है, मतलब। हाँ। देख सकते हैं उधर पूरा जंगल है। और यहाँ पर 6 बजे मतलब सो जाते हैं कि नहीं। हाँ। 6 बजे पूरा बंद, मतलब बाहर तरफ जाना नहीं है कि नहीं। हाँ। जानवर घूमता रहता है, शेर घूमता रहते, बाघ, भालू, और क्या बोलते हैं, और बहुत कुछ है कि नहीं। हाँ। तो 6 बजे सभी बंद कर लेते हैं। और वहाँ पर है मतलब ये पीछे तरफ का दरवाज़ा है, और आगे उधर है, तो आप लोग को बाद में दिखाएंगे। और हमारे बड़ा भी इधर से आएगा, तो देख रहे हैं कितना समय आएगा बल्कि, है कि नहीं। हाँ। और इधर ये इसको देखो दोस्तों कैसा हो गया इसका मुँह, मतलब उसका तबियत भी ठीक नहीं है, और उसका मम्मी भी अभी नहीं है ना, तो इसलिए देख सकते हैं कैसे कर रहा है। हाय बोलो। हाँ, नहीं बोलेगा। दोस्तों काफ़ी देर हो गया दोस्तों, हमारे बड़ा भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए मतलब हम लोग ढूंढने आए हैं। और इस साइड दोस्तों देख सकते हैं कितना जंगल है। और इधर केसर के साथ आए हैं, और चिल्ला रहा है, एक बार चिल्ला के देखो, आवाज़ दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन मतलब सुन नहीं रहे हैं। इधर गए हैं बोल रहे हैं, हमारे मामा बोल रहा था इधर गए हैं बोल के, तो अभी फिलहाल बाइक में आए हैं, देख सकते हैं हमारे मामा का बाइक है। तो अभी जाते हैं उधर चलें, अभी उधर जाकर देखते हैं दोस्तों। और हम लोग तो सुन भी नहीं रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, तो अभी जाते हैं उधर देखते हैं। दोस्तों हमारे साला ने मतलब फ़ोन किया था दोस्तों कि मतलब घर आ गए हैं बोल के, और हम लोग बारी के मतलब पीछे हैं, देख सकते हैं इधर रोड में। और मतलब इन लोग इधर से गए हैं दोस्तों, और हम लोग रोड साइड से इधर से आए हैं कि नहीं। और इधर से ऐसे आए हैं, और इधर चिल्ला रहे हैं, तो मतलब उन लोग फ़ोन किए थे। इधर देख सकते हैं, इधर उसका बारी है हमारे मामा का, तो हमारे साला ने फ़ोन किया था, अभी आ रहा है हमारे छोटे साला पैसा लेकर, तो अभी निकलेंगे दोस्तों। और इधर इस साइड हम लोग जाएँगे नुआपाड़ा जिला, है कि नहीं, और बार कटिंग कराएंगे दोस्तों। तो देखते हैं अभी आ रहा है कैसा, तो इधर साइड से आएगा दोस्तों। हम लोग पेट्रोल डाला कर निकल गए हैं दोस्तों, और मतलब यहाँ से नुआपाड़ा कम से कम 18 किलोमीटर होगा दोस्तों, और अभी निकल गए हैं और थोड़ी दूर आए दोस्तों। और इधर पीछे देख सकते हैं जंगल ही जंगल, आसपास यहाँ पर गांव नहीं मिलेगा दोस्तों। और बहुत दिन बाद मतलब बाइक चला रहा हूँ दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक नहीं, बहुत दिन बाद चला रहा हूँ दोस्तों। तो अभी जाते हैं। दोस्तों हम लोग नुआपाड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं दोस्तों, और इधर आगे तरफ है हमारा नुआपाड़ा स्टेशन, आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों नुआपाड़ा स्टेशन है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नुआपाड़ा स्टेशन, और मतलब यहाँ बाहर पर है दोस्तों हम लोग। और इधर देख सकते हैं, इधर भी लिखा हुआ है नुआपाड़ा स्टेशन, देख सकते हैं। अभी वेट करते हैं दोस्तों हमारे सिस्टर आने का, और उसके बाद फिर निकलेंगे नुआपाड़ा दोस्तों। और हम लोग नुआपाड़ा से मतलब आगे आए हैं नुआपाड़ा स्टेशन, और उसके बाद फिर अभी हमारे सिस्टर आएगा, उसके बाद फिर निकलेंगे नुआपाड़ा, आप लोगों को दिखाएंगे नुआपाड़ा। और उसके बाद फिर निकलेंगे घर हम हमारे मामा यहाँ। और फिलहाल वेट करते हैं हमारे सिस्टर का आने का, देखते हैं कब तक आता है। तो दोस्तों पैसा देकर जा रहा है दोस्तों हमारे सिस्टर, देख सकते हैं अभी अभी पैसा देकर जा रहा है दोस्तों। और पैसा देख सकते हैं इधर, फाइनली पैसा दे दिया है और जा रहा है दोस्तों। दोस्तों हमारे सिस्टर पैसा देकर चला गया है दोस्तों, देख सकते हैं पैसा। और अभी जाते हैं नुआपाड़ा, नुआपाड़ा चलें हाँ। तो अभी नुआपाड़ा पहले जाते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर चलेंगे और उधर आगे तरफ बाल बाल कटाएंगे। दोस्तों हम लोग नुआपाड़ा पहुँच चुके हैं दोस्तों, और मेन चौक है दोस्तों नुआपाड़ा का, आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। नुआपाड़ा लिखा हुआ है इधर, इधर देख सकते हैं नुआपाड़ा, निकलते हैं दोस्तों घर तरफ। दोस्तों मैं घर पर आ गया हूँ दोस्तों, बाल वाल कटिंग कर और देख सकते हैं मेरा बाल। और दोस्तों यहाँ पर मतलब काफ़ी मतलब सस्ता है दोस्तों बाल कटिंग और दाढ़ी का। कितना लिया? 50 रुपये ले लिया दोस्तों बाल कटिंग और दाढ़ी का। और बेंगलोर में तो मतलब काफ़ी महंगा है कि नहीं? वहाँ पर दाढ़ी और बाल कटिंग का 120 रुपये लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है। और मतलब बहुत दिन बाद उड़ीसा में मतलब बाल कटिंग और दाढ़ी मतलब बनवाए हैं। और कैसा है मेरा बाल कटिंग? अच्छा है, तुम बताओ कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है ना हाँ। और दोस्तों यहाँ पर मतलब बहुत दिन बाद लोग कटिंग कराए हैं, तो इसीलिए पूछ रहे हैं इन लोगों से। और पता नहीं झूठ बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो लेकिन अब कैमरे के सामने तो मतलब बोल दे रहे हैं, और सच में क्या लग रहा है पता नहीं। सच बताओ कैसा है? अच्छा है ना। और आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों कैसा है मेरा बाल कटिंग, मतलब उड़ीसा में कटाए हैं। और वीडियो को यही एंड करते हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए हैं तो। और नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।